नमस्कार किसान भाइयों, कृषि फाई के खेती समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राशि आपके साथ। बड़ी खबरों की ओर रुख करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 50,000 तक गारंटी फ्री लोन। जमीन खरीदने लेना चाहते हैं लोन तो जान लें ये जरूरी बातें। किसानों की आय हुई दोगुनी, रिपोर्ट जारी। नई मछली पालन नीति मंजूर, मछुआरों को मिलेगा बोनस। अब खबरें विस्तार से। भारत सरकार प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना चला रही है। इसके तहत गरीबों और रेहड़ी पटरी चलाने वालों को 10,000 रुपए तक का गारंटी फ्री लोन दिया जाता है। ये लोन एक साल में वापस करना होता है। अगर आप इसे एक साल के अंदर लौटा देते हैं तो दूसरी बार 20,000 रुपए का लोन और तीसरी बार 50,000 रुपए का लोन आपको मिल सकता है। साथ ही समय से लोन चुकाने पर 7% के सालाना ब्याज में सब्सिडी भी मिलती है, यानी कि 1,200 रुपए का कैशबैक आपके खाते में आता है। ऐसे स्ट्रीट वेंडर जिनके पास वेडिंग का सर्टिफिकेट या फिर आइडेंटिटी कार्ड है वो इस योजना का लाभ ले सकेंगे। नाई की दुकानें, जूता गाटने वाले, कपड़े धोने की दुकानें और सब्जियां फल बेचने वाले आदि लोगों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा। आप वेबसाइट pmswanidhi.mohua.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। देश में कुछ लोग जमीन लेकर घर बनवाते हैं जबकि कुछ लोग तैयार फ्लैट्स या फिर घर खरीदते हैं। अगर आप भी कुछ ऐसा ही प्लान कर रहे हैं तो ये आपके लिए पहले तय करना जरूरी है कि आपको घर खरीदने के लिए लोन लेना चाहिए या फिर जमीन लेने के लिए। देश का कोई भी नागरिक जमीन के लिए लैंड लोन ले सकता है। लैंड लोन कुछ खास प्रकार की जमीन के लिए दिया जाता है। कर्जदाता आमतौर पर डेवलपमेंट अथॉरिटीज के द्वारा आवंटित जमीनों पर फंड देना पसंद करते हैं। कृषि या व्यावसायिक भूमि खरीदने के लिए लैंड लोन नहीं दिया जाता। सीमांत किसानों, भूमिहीन मजदूरों या फिर कर्जदारों को ये लोन दिया जाता है। नगर निगम क्षेत्र के बाहर की संपत्ति के लिए भी होम लोन दिया जा सकता है। होम लोन लेने के मामले में संपत्ति के मूल्य का 90% तक लोन मिल सकता है। आप नजदीकी बैंक शाखा में जाकर लोन संबंधित अन्य जानकारियां ले सकती हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने पिछले 4 सालों में किसानों की आय और खेती किसानी को लेकर एक शोध रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2017-18 की तुलना में 2021-22 में किसानों की आय औसतन 1.3 से 1.7 गुना तक बढ़ी है। तो वहीं कुछ फसलों के लिए किसानों की आय जैसे महाराष्ट्र में सोयाबीन और कर्नाटका में कपास इन 4 वर्षों में दोगुनी से अधिक हो गई है। अर्थशास्त्री सौम्य कांति का कहना है कि नगदी फसल उगाने वाले किसानों की आय में ज्यादा वृद्धि हुई है। एमएसपी में 2014 के बाद से 1.5 से लेकर 2.3 गुना की वृद्धि हुई है। तो वहीं गैर कृषि आय में अधिकांश राज्यों में 1.4 से 1.8 गुना बढ़ोतरी हुई है। जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी बढ़कर 18.8% हो गई है। इन वर्षों में अनाज का निर्यात $50 अरब से अधिक हो गया है। बता दें कि रिपोर्ट में सरकार से हर साल कम से कम 10 लाख किसानों को आजीविका क्रेडिट कार्ड और 5 लाख करोड़ रुपए के कृषि ऋण प्रोत्साहन के लिए एक सर्वव्यापी क्रेडिट गारंटी फंड शुरू करने का आग्रह किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार मछली पालन को एक उद्योग के रूप में विकसित करने के लिए नवीन मछली पालन नीति लागू करने जा रही है। इसके तहत बैराज, नहरों और जलाशयों को 10 सालों के लिए पट्टे पर दिया जाएगा। साथ ही इन जलाशयों को पट्टे पर देने के लिए खुली निविदा से प्राप्त आय का 50% मछली पालन विभाग के राजस्व के खाते में जाएगा और बाकी का हिस्सा यानी 50% का 25% हिस्सा तालाबों और जलाशयों में मछुआरों को बोनस के रूप में दिया जाएगा। नई नीति के तहत पंचायत राज व्यवस्था के तहत 10 हेक्टेयर से ज्यादा या 100 हेक्टेयर औसतन जल क्षेत्र में तालाबों और जलाशयों को मछली पालन के लिए 10 साल के पट्टे पर आवंटित करने का अधिकार जनपद पंचायत को दे दिया गया है। जिला पंचायत 100 से 200 हेक्टेयर के तालाबों और जलाशयों का पट्टा जारी करेगी। मछली पालन विभाग 200 से अधिक और
1000 हेक्टेयर तक के जलाशय और बैराज को पट्टे पर आवंटित करेगा। ग्राम पंचायत 10 हेक्टेयर औसत जल क्षेत्र के तालाबों और जलाशयों को पट्टे पर दे सकेगी और 1000 हेक्टेयर से ज्यादा के जल क्षेत्र वाले जलाशय और बैराज छत्तीसगढ़ राज्य महासंघ के अधिकार में रहेंगे। तो किसान भाइयों, हमारा ये बुलेटिन आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही खेती बाड़ी और किसानों से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि फाई के साथ। धन्यवाद।